आप दोबारा पूछे। पाकिस्तान 2009 का वर्ल्ड कप कब जीता था T20 का? 1992। वेलकम गाइज, मेरा नाम तस्कीर है और इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कुछ PSL से रिलेटेड मीम्स और कुछ निदा यासिर जो है पाकिस्तान के एक शो में आती हैं, होस्ट हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है आजकल। मतलब सो उनके ऊपर मीम्स भी बन रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों बन रहे हैं, क्या बात है, शायद इस वीडियो में पता चल जाए। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। तो सवाल है कि अगर आपको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? मैं क्या करूंगी, मैं गुर्बत खत्म करूंगी, इकॉनमी को थोड़ा ऊपर लेकर जाऊंगी, डॉलर थोड़ा सा नीचे सस्ता करूंगी। आप खान बनना चाह रही हैं आप? जी हाँ, क्यों नहीं, लड़ाई हो जाएगी इमरान खान से बात हुई तो। खान साहब की कोई बात, इमरान खान बनना चाह रही हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप 92 में कब जीता था? ये अरे किस ईयर में जीता था? 2006 नहीं नहीं पाकिस्तान 92 का वर्ल्ड कप किस ईयर में जीता था? क्या एक मिनट, 92 में कब जीता था, किस ईयर में? नहीं नहीं शाह साहब, 92 यार, ये तुम दोनों मिली हुई आपस में। आप दोबारा पूछे। पाकिस्तान 2009 का वर्ल्ड कप कब जीता था T20 का? 1992 92 का वर्ल्ड कप सब चोर हैं इस मुल्क में। ये कायद आजम खुद अपने मफाद के लिए हम लोगों को यहाँ ठोक गया लाके। ओ क्या कह रहा है ये, ठोक गया। मैंने मना किया था, बैठ जा रहा है। When she rejects you, friends be like, हाँ हाँ हंस ले बेटा हंस ले। क्या बोल रहा था, मेरी मोहब्बत है चूते काट दिया ना मोहब्बत ने। मदीना, अच्छा हम चार भाई सारा हाँ, पर हम चारों मदीना में पैदा हुए। कैसे मदीना में पैदा हुए? सच में? मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये लाहौर वाले जो हैं ये मेरे दिल में हैं, और ये जो मुल्तान वाले हैं ये मेरे जहन में हैं। और बाकी टीम्स किधर है, सवाल तो बनता है। बस दो ही टीम है क्या दिल और दिमाग में? ओ पास बैठा करो, सीखने को मिलेगा बड़े लोगों के पास। छल्ले मैनू इतनी वधिया चाह बनानी आंदी है ना, कोई कंपटीशन ही नहीं है। और मैगी भी मैनू, रोटी पूरी आंदी है मेरे पूरी आफ्टर मैरिज रोटी भाई। तुसी मैंने क्या रोटी पाल दी भाई? दहशत कर धमाका करके भाग गया पॉलिटिशियन, पैसे लेकर भाग गया, और हमारी पुलिस किसको पकड़ेगी किस जो हेलमेट नहीं पहनता। ओए ओए बावर कवर ड्राइव टू आमिर, इट वाज परफेक्ट परफेक्ट एवरीथिंग, बहुत तगड़ा था, जवाब था जवाब, न्यू डिटेल्स, मुंह तोड़ जवाब। ओ कैसे हो मेरे रील्स के चाहने वालों, तो दोस्तों आमिर आफ्टर गेटिंग और खत्म हो चुका हूं, और अब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं करूं क्या, और मेरी दुनिया भी लुट चुकी है और मैं खुद बर्बाद हो गया हूं। और सच में लुट गई है। इफ्तिखार अहमद अगेंस्ट पेशावर जुल्मी। जीरो पे आउट हुए, जीरो। अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान, ओ माय गॉड, सीधे राधा मुंडा। सख्त लौंडा है भाई। बहुत जबरदस्त था यार, ये ऐसा दिल करता है यार हमारा भी कभी कभी, बहुत तगड़ा था यार। Someone comes to you and says, oh, your life is so tough. Just look at them and smile and say, Lord, not for me, come love. अरे ये अजय देवगन,
टाइगर भी लाइक ये मैं हूँ। ओ ओ बहुत जबरदस्त गैलेक्सी 22 अल्ट्रा चांद आईफोन 19 मेगा। हमारे पास हमारे नौजवानों के पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी पड़ी है लेकिन फिर भी हम ना उम्मीद हैं अपनी जिंदगी से, फिर भी हम इस खजाने को छोड़ते हैं, इस पाक सरजमीन को, इस अजीम मिट्टी को छोड़ के हम अपने करियर को सेट करने के लिए बाहर मुल्कों की तरफ रुख करते हैं। देखिए जिस तरह मैंने बात की, ये पाकिस्तान अल्लाह ताला के राजों में से एक राज है। Yes, I'm in London right now. मैं बिल्कुल यूके में हूँ, लंदन में। अरे खुद अब वही बंदा था ये जो अभी बोल रहा था, वो तो सब्सक्राइब करो वे यार। मेरे हंसी ऐसे निकली कि बस निकलकर गिरी ना जाए कहीं। बहुत ज़बरदस्त थे। सबसे तगड़ा मुझे एक राज से पर्दा उठाना था जो कि निदा यासिर वाला था। बहुत ज़्यादा चर्चे से उनके सुनने में आ रहा है। मैंने ऐसे कर स्क्रॉल कर रहा था वीडियोस, तो मेरे सामने आए यार कुछ वीडियोस की ट्रोलिंग चल रही है उनकी, निदा यासिर की, पता नहीं क्यों किस लिए। और शोएब अख्तर का कुछ पिक्चर आ रहे थे तो भाई साहब पता चला उनकी ट्रोलिंग होती रहती है। बंदा सामने से शोएब अख्तर पूछ रहा है, उनको भी पता था शोएब अख्तर को कि ये जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए उनसे उसी तरीके का सवाल पूछा कि 1992 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप किस ईयर में जीता था। 1992 पहले ही बोल दिया और मैडम बता ही नहीं पा रही हैं। अब यार ऐसी चीज़ सोशल मीडिया पर किसी शो में बैठकर होगी तो उसकी मीम्स तो बनेंगे भाई। स्लिप ऑफ टंग हो जाती है किसी भी बड़े सेलिब्रिटी की तो भी उन पर मीम बन जाते हैं भाई। तो कोई नहीं, चिल करो और इन्जॉय करो। दूसरा मीम आमिर वाला बहुत तगड़ा था। आमिर का करियर वाकई में ख़त्म हो गया है। वो कवर ड्राइव जो है वो ज़िंदगी भर याद रहने वाली है उनको। जो 1-2% चांस बने भी थे उनके कि टीम में आएंगे और खेल सकेंगे, वो बाबर आजम ने करियर ख़त्म कर दिया लिटरली। क्या तगड़ा जवाब दिया उन्होंने बल्ले से, और सच में देना बनता भी था। वो बंदे इतना अग्रेशन दिखा रहा था, उल्टा सीधा बोल रहा था, पता नहीं शायद गाली भी दी हो तो मुझे पता नहीं। बाबर बाबर है भाई, कप्तान वो ऐसे ही थोड़ी ना है, कूल रहकर हॉट शॉट लगाता है। एंड एक मीम वो भी बढ़िया था, वो मेकअप छुटा रहा है स्टेडियम में बैठ रहे थे, शायद उसने लड़की के गाल पर उंगली लगाई, वो लग नहीं रहा था कि मेकअप लगाई भी है लेकिन फिर भी उसने लगाई और ब्लैक पैंट पर लगा कर दिखाया कि देखो कितना मेकअप है। ओवरऑल एंटरटेनिंग वीडियो था, आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ कितना मज़ा आया आपको और निदा यासिर के बारे में क्या कहना चाहते हो। ऐसे वीडियोज़ मेरे साथ देखने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।